हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू स्क्रीन के बारे में, ब्लू डंप एरर के बारे में कि ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और आपने देखा होगा मोस्टली कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो है इस टाइप की एरर आता ही है, ब्लू डंप का जो एरर जो है वो आता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसके वजह से आता है, वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है या हार्डवेयर का होता है। अगर हार्डवेयर होता है तो हार्डवेयर में रैम का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या मदरबोर्ड का प्रॉब्लम की वजह से ये ब्लू डंप का एरर आता है, या प्रोसेसर के वजह से आता है, या हार्ड डिस्क की वजह से आता है, या SMPS की वजह से आता है, ठीक है। तो हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे पूरी इस वीडियो में कि अगर ये ब्लू डंप का एरर आता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली जो है दो कंडीशन में हो सकता है, मतलब ये हार्डवेयर भी प्रॉब्लम हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर में कंफर्म करना होता है कि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मतलब कहने का मतलब है कि ये विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 किसी भी विंडो में ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और ये जो है सडनली जो है, जैसे कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, लैपटॉप ऑन कर रहे हैं और कंप्यूटर लैपटॉप को आप एक या दो घंटे चला रहे हैं और कुछ भी और कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ब्लू स्क्रीन आके कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या रिस्टार्ट हो जाता है या यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। या कंप्यूटर ऑन करते ही ब्लू स्क्रीन का डंप का एरर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में जो है हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे कि अगर कंप्यूटर के विंडो 7 या विंडो 10 या विंडो 8 है, अगर उसके अंदर कोई भी रजिस्ट्री फाइल कोई डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है या उस विंडो के अंदर जो है वायरस आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आपका विंडो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस टाइप का डंप जो है ब्लू स्क्रीन का आ जाता है, ठीक है। मतलब विंडो के प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है, या आपने कोई ऐसा ड्राइवर जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जो उस कंप्यूटर को, उस मदरबोर्ड को जो है, उस हार्डवेयर को जो है वो ड्राइवर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इस टाइप के एरर आ जाता है, ठीक है। तो उसको भी आपको देखना है कि अगर कोई कंप्यूटर में इस टाइप का एरर आ रहा है तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन से ड्राइवर इंस्टॉल है, प्रॉपर सबका ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है, कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है, ठीक है, कोई फाइल रजिस्ट्री फाइल करप्ट तो नहीं है, ये कंफर्म करना है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, ये एरर आता है जैसे कंप्यूटर में कुछ भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई जो है हेवी सॉफ्टवेयर का आपने ओपन किया है या कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर जो है आपके रैम कम है या हार्ड डिस्क का स्पेस कम है या हार्ड डिस्क का जो स्पेस है CD/E ड्राइव वो प्रॉपर जो है भर चुका है, मतलब फुल हो चुका है, ठीक है, स्पेस कम है, तो उस कंडीशन में जो है इस टाइप के जो है ब्लू डंप का जो है कम एरर आ जाता है और जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। अगर कंप्यूटर जो है ब्लू डंप का एरर आके और कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया और फिर दोबारा ऑन होकर नॉर्मल कंडीशन में चलने लगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में यही है, मतलब ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन यही है कि आप कंप्यूटर के अंदर जो भी हैवी वर्क कर रहे थे उसके वजह से जो है कंप्यूटर में ज़्यादा लोड पड़ा और लोड पड़ने की वजह से वो ब्लू डंप आके एरर जो है और फिर ऑटोमेटिक नॉर्मल कंडीशन में हो गया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मगर बार बार जो है ब्लू डंप का एरर आ रहा है तो 100% जो है आपको पहले क्या करना है कि डायरेक्टली जो है आपको विंडो है, क्योंकि वायरस जो होता है वो विंडो के अंदर ही होता है, ठीक है। दूसरी बात कि आपका ड्राइवर जो है वो विंडो मतलब कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर की वजह से हो सकता है, विंडो की वजह से, रजिस्ट्री फाइल की वजह से, तो अगर इस टाइप का एरर आ रहा है तो पहले आपको विंडो इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर। अगर कंप्यूटर के अंदर आप विंडो इंस्टॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, और विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो है चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो और फिर कंप्यूटर जो है नॉर्मल कंडीशन में आ गया और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम था वो आपके सॉफ्टवेयर की वजह से आ रहा था, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में जो है चाहे वायरस हो या ड्राइवर मिसिंग हो या रजिस्ट्री फाइल मिसिंग हो, ठीक है। मगर ये प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर में विंडो डालने पर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो या कंप्यूटर में विंडो डाल रहे हैं तभी भी आ रहा है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हार्डवेयर की ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्यूटर में जो फर्स्ट बूट डिवाइस है ना, बायस के अंदर फर्स्ट बूट डिवाइस है, वो डीवीडी है या पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और ऑन करते ही कंप्यूटर जो है वो हार्ड डिस्क से बूट करता है, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क उसको नहीं मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है, या प्रॉपर मतलब प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मिसिंग होगा तो उस कंडीशन में जो है इस टाइप के एरर आ जाता है। तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना है कि फर्स्ट बूट डिवाइस जो है आपको हार्ड डिस्क रखना है, ठीक है। अगर वो पेन ड्राइव या सीडी है तो उसको आपको हार्ड डिस्क रखना है, ठीक है, बायोस में जाके। और ये करने के बाद प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है और फिर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि हार्ड डिस्क जो है आपका कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। हार्ड डिस्क की वजह से जो है इस टाइप की ब्लू डंप का एरर आ जाता है। तो आपके पास अगर दूसरा हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में लगाइए, ठीक है, और फिर दोबारा विंडो डाल के देखिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। या जो कंप्यूटर में जो या लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क में ये एरर आ रहा था उस हार्ड डिस्क को आप निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर अदर कंप्यूटर या लैपटॉप में ले जाके उसको लगाइए और उसको प्रॉपर क्लीनिंग वहाँ मतलब प्रॉपर जो है फॉर्मेटिंग कीजिए, पूरा जितने भी ड्राइव है उसको जो है कम्प्लीटली फॉर्मेट करके और दोबारा से नया पार्टीशन बना के और उसमें विंडो इंस्टॉल करके फिर अपने कंप्यूटर में जो है उसको लगा के देखिए, ठीक है। या दूसरा जो है आप हार्ड डिस्क चेंज करके देख सकते हैं। अगर उससे भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर ये प्रॉब्लम जो होता है वो आपके जो है रैम के वजह से होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अगर हार्डवेयर की बात करें तो ये प्रॉब्लम जो है वो ब्लू डंप का जो है वो रैम के वजह से आता है, ठीक है। रैम के वजह से जैसे कि अगर रैम जो है रैम के जो पिन में जो है कार्बन डस्ट, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये है, ये जो है रैम का जो पिन है, ठीक है, अगर इसमें कार्बन डस्ट आ जाता है उसकी वजह से भी ब्लू डंप का एरर आ जाता है। तो अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर ब्लू डंप का एरर आया तो आप पीछे से रैम निकाल के रैम के पिन को थोड़ा सा साफ करके और स्लोट को हल्का सा साफ करके आप स्लोट चेंज भी कर सकते हैं, जो अगर फर्स्ट स्लोट में लगा तो सेकेंड स्लोट में भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर आपको ये देखना है कि कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो रैम लगा है वो कितना लगा है, एक लगा है या दो लगा है, ठीक है। अगर दो लगा है तो आपको एक एक करके निकाल के देखना है, जैसे एक लगा दिए और दूसरा निकाल के फिर कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ब्लू स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो इसका मतलब जो आपने दूसरा रैम जो निकाला है वो रैम खराब है, ठीक है। अगर एक सिंगल लगाने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो जो पहले जो लगा रखे थे उसको निकाल के दूसरा वाला लगाएंगे और फिर भी देखेंगे, दोबारा देखेंगे ऑन करके कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। अगर सॉर्ट आउट हो गया तो पहले वाला रैम आपका जो है वो खराब था, ठीक है, तो ऐसे कंफर्म कर लेंगे। दूसरी बात कि जो रैम की फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में आपने दो रैम लगा रखा है, ठीक है, और दोनों रैम की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या कंपनी नेम है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाइनिक्स का ये कंपनी है और ये सिमट्रॉनिक का है, ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग कंपनी का, आप अगर किसी एक लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर अगर रैम लगा रखें अलग अलग कंपनी का और उसकी एफएसबी हल्का सा भी अगर मैच नहीं करेगा, मतलब उसकी एफएसबी अलग अलग होगा, इसका अलग है और इसका अलग है, ठीक है, अगर एफएसबी मैच नहीं करेगा तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आता रहेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। कभी सही चलेगा, कभी ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, कभी एक दो घंटे या एक हफ्ते दो हफ्ते सही चलेगा, फिर बार बार जो है कभी ना कभी ब्लू डंप का एरर आता रहेगा, ठीक है। तो आपको कन्फर्म यही करना है, मतलब कि अगर दो रैम लगा है तो एक एक रैम लगा के देखना है या सेम FSV का या सेम कंपनी का आपको रैम लगाना है, ठीक है, इससे प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें प्रोसेसर को देखना चाहिए, प्रोसेसर को निकाल के उसके भी जो पिन है उसको साफ करना चाहिए, इसमें भी इसके पिन के भी कार्बन डस्ट आ जाता है तो प्रोसेसर को निकाल के भी साफ करके देखेंगे। प्लस ये भी कंफर्म करेंगे कि जो हम प्रोसेसर, जैसे कि दूसरा हम प्रोसेसर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी FSV हमें मदरबोर्ड के FSV से मैच करना जरूरी है। जब तक वो FSV मैच नहीं होगा वो प्रॉपर जो है आपके बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा, या कभी डिस्प्ले आएगा कभी नहीं आएगा, या कभी ब्लू स्क्रीन आएगा, या जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो काम करेगा, ठीक है, तो प्रोसेसर भी कन्फर्म करना है। उसके बाद से हम बात करेंगे अगर प्रोसेसर भी सही है और फिर भी जो है ब्लू स्क्रीन की एरर आ रहा है तो
वो प्रॉब्लम जो है मदरबोर्ड का है। अब मदरबोर्ड में जो है प्रॉब्लम वो किसके वजह से आता है, ठीक है, हार्डवेयर की बात करें तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम जो है वो दो कंडीशन से आता है, ठीक है। पहला जो कंडीशन है कि बोर्ड के अंदर जो है आपके ये जो भी पोलराइज जो कैपेसिटर है ना, ये पोलराइज अगर कोई लीकेज हो गया है, लीकेज का मतलब ये अगर कैपेसिटर फूल गया है, ठीक है, या कोई कैपेसिटर फट गया है, जिसके वजह से जो है ये जो है बोर्ड के अंदर जो है करंट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, और उसके वजह से ये ब्लू डम का एरर आता है 100%। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में जो है अगर कैपेसिटर लीकेज हो जाए तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम आता है, ठीक है। कैपेसिटर भी लीकेज नहीं है फिर भी जो है ब्लू डम का एरर आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो प्रॉब्लम जो है आपके ग्राफिक चिप, जो ये नॉर्थ ब्रिज जो चिप होता है या लैपटॉप के अंदर जो ग्राफिक चिप होता है, ठीक है, या डेस्कटॉप के अंदर ये नॉर्थ ब्रिज जो चिप है, ये नॉर्थ ब्रिज चिप की प्रॉब्लम के वजह से जो है आपके ये ब्लू स्क्रीन का कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एरर आ रहा है। अगर आपने रैम भी चेक कर लिया, हार्ड डिस्क भी चेक कर लिया, विंडो भी इंस्टॉल कर लिया, प्रोसेसर भी देख लिया, ठीक है, और फिर भी बोर्ड में कैपेसिटर भी कोई लीकेज नहीं है और फिर भी ब्लू डम का एरर आ रहा है, तो आपके बोर्ड के अंदर जो नॉर्थ ब्रिज जो चिप है, जो ग्राफिक चिप है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। उसको आपको क्या करना है कि SMD से उसको हल्का सा हीट करना है, ठीक है, हीट करने से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ब्लू स्क्रीन के जो अगर इस टाइप की एरर आता है, तो जो मैंने स्टेप बताया है, इस स्टेप को जो है अप्लाई करके आप किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो कोई भी विंडो हो, उसमें जो है ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का जो है न्यू वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।